नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं टॉप 50 जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो एवरीडे साइंस के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी TGT और JVT कमीशन एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? और इसका सही जवाब है रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। केमिकली इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। तो लोहा जब हवा में मौजूद नमी के संपर्क में आता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं जंग। और जंग लगने के बाद लोहे की बनी वस्तु का भार बढ़ जाता है कि उसकी मजबूती हो जाती है कम। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? और इसका सही जवाब है एक एंटीबायोटिक दवा। तो एक प्रतिजैविक दवा है पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और डैश डैश कहा जाता है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, पराग। तो पराग पाए जाते हैं पराग कोश में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फूल पौधे का होता है प्रजनन अंग। दूध का पीएच मान कितना होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6.5। तो दूध थोड़ा सा होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक, क्योंकि इसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, जबकि रक्त का पीएच होता है 7.4 और शुद्ध पानी होता है उदासीन और उसका पीएच होता है 7। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। तो माता पिता से बच्चों तक गुणों का ट्रांसमिशन होता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के द्वारा। और हमारी कोशिका में कुल जोड़े गुणसूत्र के होते हैं 23, जबकि कुल क्रोमोसोमों की संख्या है 46। बंदर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जोड़े। दियासलाई अर्थात माचिस की नोक में क्या लगा हुआ होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेड फॉस्फोरस यानी लाल फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जिसे आपस में रगड़ने पर यह आग पैदा कर देता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है? और इसका सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका फॉर्मूला होता है CaPO4। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं हड्डियाँ और दांत। और अगर आपसे पूछा जाए हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो वह होगा फॉस्फेट। तो कैल्शियम इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता जितना कि फॉस्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला भूरा कोयला कहलाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को बोला जाता है भूरा कोयला, जबकि एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है। और बिटुमिन को बोला जाता है मुलायम कोयला, जबकि सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। वंशागति की इकाई क्या होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी शक्ति गृह किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज टूटता है ATP के रूप में, और यही ATP हमें देती है ऊर्जा। इसलिए ATP को बोला जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। सिस्मोग्राम किस चीज को मापने का यंत्र है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूकंप। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राम से। और अगर आपसे पूछी जाए स्केल, तो वह होती है रिक्टर स्केल। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? और इसका सही जवाब है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल यूनिट में। और ये माना जाता है कि 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलोनियम। तो पोलोनियम एक ऐसी धातु है जिसके सर्वाधिक आइसोटोप्स पाए जाते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
तो कार्बन 14 अर्थात C14 टेक्निक, जिसे रेडियो डेटिंग टेक्निक बोला जाता है, यह यूज़ होती है जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टोबेसिलस। तो दूध में पाया जाता है लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इसका स्वाद होता है खट्टा। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पारा अर्थात मरकरी। तो जब भी पारा किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बनती है मिश्र धातु, जिसे बोला जाता है अमलगम। पॉलीथीन का एकलक क्या है, अर्थात पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इथाइलीन। तो इथाइलीन के चेन रिएक्शन के बाद बनता है पॉलीथीन। किस गैस के साथ अभिक्रिया करने पर पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ अभिक्रिया करने पर पीतल का रंग पड़ जाता है फीका। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में होती है तीन प्रमुख चीज़ें, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम हवा के संपर्क में आने पर क्या देता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम परऑक्साइड। तो जब भी सोडियम हवा के साथ संपर्क करता है, रिएक्शन करता है, तो बनती है सोडियम परऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बर्मी कंपोस्ट क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक कार्बनिक बायो उर्वरक। तो एक कार्बनिक बायो उर्वरक है बर्मी कंपोस्ट, और बर्मी कंपोस्ट जिसे हम बोलते हैं केचुआ खाद, केचुए कृषक का मित्र कहलाता है। और इसका कारण है क्योंकि वे मृदा को उलट पुलट करके उन्हें रंध्रमय बनाते हैं, अर्थात उसके अंदर हवा का आदान प्रदान हो सकता है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चूना पत्थर और मिट्टी। तो चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी प्रयोग होती है सीमेंट बनाने के। विद्युत घटन के नियम को किसने दिया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैराडे। तो विद्युत घटन के नियम को देने वाला साइंटिस्ट था फैराडे, और फैराडे ने ही आविष्कार किया था डायनेमो का, और ये भी माना जाता है बिजली के आविष्कार भी थे फैराडे। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस अर्थात रेयर गैस कौन सी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्गन। तो आर्गन वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अदरवाइज अगर हम बात करें वातावरण की कंपोजिशन, तो वहाँ पर 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, 0.73% है आर्गन और 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड। किस पादप को शाकीय भारत का डॉक्टर कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंवला। तो आंवला को बोला जाता है एक ऐसा औषधीय पौधा है जो कि हर प्रकार की बीमारियों के लिए एक रामबाण का काम करता है। नक्शा बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना जियोलॉजिकल नेम है मेंढक का, जबकि बोस इंडिकस साइंटिफिक नेम है गाय का। मोम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम। तो यूरेनियम का प्रयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में विद्युत उत्पादन के लिए, और यूरेनियम को तोड़ा जाता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा, जिसके बाद उत्पन्न होती है ऊष्मा, और उसी ऊष्मा से घुमाया जाता है टरबाइन, जिसके बाद बनती है विद्युत। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है कनाडा में। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनती है वाटर गैस, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से बनती है प्रोड्यूसर गैस। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिक्टोफोन।
हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक और ये इस प्रकार से हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या होती है उसमें मौजूद या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के बराबर, जबकि उस तत्व का परमाणु भार होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों को प्लस करने के बाद आ जाता है 4 और इसलिए इसका परमाणु भार होगा 4। और यहाँ पर बात की जा रही है हीलियम की। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूरिया। तो यूरिया सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला पदार्थ है और यह बनता है हाबर विधि द्वारा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सबसे ऊंचा वृक्ष इनमें से कौन सा है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी स्क्वेया। तो स्क्वेया सबसे ऊंचा वृक्ष है अगर आपसे कॉनिफेरस ट्री की बात की जाए, लेकिन अगर पूछा जाए एंजियोस्पर्म में यानी फूल वाला पौधा तो वह आएगा यूकेलिप्टस, जिसे हम सफेदे के नाम से जानते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और उसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 रंग। तो यह सूर्य से आने वाला 7 रंगों का प्रकाश विबग्योर के रूप में, और यहाँ पर लाल रंग की होती है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, जबकि वॉयलेट यानी बैंगनी की होती है सबसे कम तरंग दैर्ध्य। ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी का कारण क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। तो एक जीवाणु जनित रोग है टीबी और यह प्रभावित करती है फेफड़ों को। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेलुलोज। अन्य अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब है इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। तो C2H5OH को बोला जाता है इथाइल अल्कोहल, जिसे हम साधारण शब्दों में शराब कहते हैं। एक्रिलीन क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाइबर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दूरी। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश वर्ष है इकाई दूरी की, तो तारकीय दूरी अर्थात ग्रहों से ग्रहों की दूरी या तारों से ग्रहों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, और प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 × 10^15 मीटर। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है ब्यूटेन गैस। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमीनो अम्ल। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जिससे बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि और विकास। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के, जो कि आपके लिए आई होप महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा।